बात हमने की। राजा परवेज अशरफ साहब ने कल जो बात की थी, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को आइन दिया है और आइन के तहत इसमें कोई शुबा नहीं है कि जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने पीपल्स पार्टी ने की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को आइन देने में, लेकिन आर्टिकल 53 जो है वो भी इसी आइन का हिस्सा है और आर्टिकल 53 जो है वो स्पीकर की कुर्सी की इज्जत और तकरीम की बात करता है। 1377 से जब से स्पीकर का ऑफिस फॉर्मलाइज हुआ है जनाबे चेयरमैन और ये ऑफिस वजूद में आया है, उसके बाद से एक ट्रेडिशन ये भी है कि स्पीकर के ऑफिस की उसकी चेयर की उतनी ही तकरीम की जाती है जितनी खुद ऐवान की जाती है। और उसकी वजह है, अगर हम ऐवान के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं रखे, हर वक्त एक दूसरे के ऊपर हम चीखें चलाएंगे, तो जाहिर है कि पार्लियामेंट का मकसद है वही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो स्पीकर का ऑफिस है उसको हम एक इज्जत और एहतराम देते हैं और यही जो 1973 का आइन है उसका आर्टिकल 53 जो है वो हमें बताता है। बदकिस्मती से बाज़ लोग जो फुटबॉल खेलते खेलते अचानक ऐवान में आ गए, उनको पता नहीं चलता कई बार कि क्या बात स्पीकर की करनी है क्या नहीं करनी है, स्पीकर के ऑफिस की इज्जत क्या है, तौकीर क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने ऐवान के माहौल को, ऐवान का जो तकद्दस है, जब हम उसकी बात करते हैं और अपोजिशन सबसे ज़्यादा ये बात करती है, तो फिर स्पीकर के जो चेयर है उसकी भी इज्जत और तौकीर करनी चाहिए। अभी राजा साहब ने, राजा परवेज अशरफ साहब ने बात की कि पीडीएम की तहरीक को कहा गया कि वो गैर आइनी है। नहीं, बिल्कुल गैर आइनी नहीं है। आपके एहतजाज का हक पीडीएम को है, पीडीएम का ये भी हक है कि वो हकूमत के ऊपर तनकीद करे, पीडीएम का या अपोजिशन का ये भी हक है कि वो बताए कि मुल्क में महंगाई हो गई है। आप ये भी बताएं, आप ये भी बताएं कि दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, उनको कैसे नीचे लाना चाहिए। आप ये भी ऑल्टरनेटिव अपनी पॉलिसी दे सकते हैं कि अगर गंदम और चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है तो वो कैसे उनको वापस जो है वो लाया जा सकता है। ये सारे आपके हक हैं। मसला कहां पर है? मसला ये है कि तीन जलसे हुए और उनमें तीन बयानिए सामने आए। पहला जलसा गुजरांवाला, फौज और अदलिया मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरा जलसा कराची, फौज और अदलिया मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं और उर्दू हमारी जुबान नहीं है। तीसरा जलसा कोयटा, फौज अदलिया पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और हमें आजाद बलूचिस्तान चाहिए। ये जो तीन बयानिए आए, ये जो तीन जलसों में, ये जो तीन बयानिए आए, उन पर मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अच्छा, फिर अगर नवाज शरीफ साहब बात करें, वो तो फंसे हुए हैं, उनके तो पैसे फंसे हुए हैं, वो बात करें तो ठीक है, वो बात कर रहे हैं। और मकसद तो आठ केस हैं, आठ केस आज आप उसमें कर दें तो आज फौज भी बड़ी साफ सुथरी हो जाएगी, इमरान खान भी पाकिस्तान का बेस्ट लीडर हो जाएगा, ऐवान भी ज़बरदस्त हो जाएगा और पाकिस्तान की हुकूमत भी ज़बरदस्त हो जाएगी। आप आठ केसेस में नहीं करें तो आप सारी ख़राब हैं। अब मसला क्या है? हमारा गिला नवाज शरीफ साहब से तो है ही नहीं, वो तो फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से यही बातें जो है होंगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इन द एंड वी विल रिमेंबर नॉट द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। जनाब स्पीकर, हमें इस नैरेटिव के ऊपर, जब ख्वाजा सफदर का बेटा ख्वाजा आसिफ खामोश रहता है, जब रियाज पीरजादा खामोश रहता है, जब यहाँ के बैठे हुए वो लोग जिनका तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा है वो खामोश रहते हैं, ये खामोशी ज्यादा अफसोस और दुख की बात होती है जब ये बातें होती हैं और ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप पीटीआई के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की,
कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाबे शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाबे स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है, उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें ये वो फखर है, order, please. जो के order, हमारी पुलवामा के वाके के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा पाकिस्तान की शाहीनों ने, पाकिस्तान के सिपाह ने, पाकिस्तान के उन अजीम बेटों ने जिस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की, वो तो हिंदुस्तान का अपना मीडिया उसके ऊपर शर्मिंदा है, हिंदुस्तान के अपने जो सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी, कुछ ख्वाजा साहब से एक लाइन मुस्तार लेते हुए कि कुछ शर्म होती है, हया होती है। आप इसी तरीके से जनाब स्पीकर अब्दुल समद अचकज़ई साहब के साहिबजादे जो कांग्रेस के बलूचिस्तान के सदर थे, उन्होंने कराची में तकरीर फरमाई और कहा, और ये जलसा होस्ट कौन था, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी और मुस्लिम लीग, और कहते हैं उर्दू को हम अपनी जुबान नहीं मानते, कहते हैं अब चूंकि वो जुर्रत नहीं कर सकते कि वो कहें कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते, वो कह रहे हैं हम उर्दू को नहीं मानते। उर्दू है वो, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। इसी तरीके से सलीका नहीं है बात करने का, अकल नहीं है बात करने की, और अगर उर्दू आती, अगर अचकज़ई साहब को उर्दू आती तो उन्हें बात करने का हसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, तो शायद कुछ बात करने की अकल आ जाती, कुछ बात करने की तमीज़ आ जाती, कुछ बात करने का सलीका आ जाता, तो आज वो मामला जो हैं वो उस तरह से ख़राब ना होते। 1867 से जनाब स्पीकर 1867 वो साल है जब उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ, और वो लोग जो कि यहाँ हिंदुस्तान की तारीख को जानते हैं, ये तो बेचारे स्कूल से यहाँ पे आ गए, इनको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। 1867 में जब हिंदुस्तान के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था, उसके बाद उर्दू जो है और हिंदी उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियादों में शामिल है, और जब वो वहाँ पे कोई खड़ा होकर कहे कि मैं उर्दू को ज़ुबान नहीं मानता, वो कहे कि बाढ़ को उखाड़ दो और बाढ़ जो है वो हमारे मुफाद में नहीं है, तो वो फिर गिला हमारा उनसे नहीं है, गिला दोबारा हमारा उन दोस्तों से है जिनकी साइलेंस इस वक्त डेफनिंग है, जिनकी खामोशी इस वक्त वो बता रही है कि मामला किस कदर गंभीर है। इसी तरह से जनाब स्पीकर मैं और अर्ज करूंगा, इसको कंक्लूड फरमा लीजिए। जी कंक्लूड करता हूं जनाब स्पीकर, एक जो मामला है जिसमें जो PMLN एक खतरनाक, मैं दोबारा ये बात, मैं कोई तनाज़े की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ और यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग बैठे हैं उनसे साथ फ्रैंकली को तनाज़ा है भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये उतनी मोहब्बतन है जितने बाकी कोई पाकिस्तानी है, जितने हम मोहब्बतन है, लेकिन बात करने का सलीका होना चाहिए। बार बार इनके स्टेज से बात आती है कि हम फौज के जर्नैलों के साथ हैं, फौज के जर्नैलों के खिलाफ हैं, फौज के जवानों के साथ हैं, ये बात आप करके किसका फ़ायदा करना चाहते हैं? मुझे आप बताइए कि
क्या जब मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी ने अपनी शहादत नहीं दी इस जंग में? मुझे आप बताइए, जनरल मसूद असलम का जवान बेटा यहाँ पे शहीद नहीं हुआ? कौन सा इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की फौज का, कौन सा इस वक्त मेजर जनरल है पाकिस्तान की फौज का, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, कैप्टन है, जिसने अपना सीना अपने जवान के साथ पेश नहीं किया इस जंग? ये तकसीम की बात आप ना करें। आप ये तकसीम की बात करके जब फिर आपके ऊपर जब गिला आता है, क्योंकि यही बात अजीत दोवल कर रहा है, यही बात हिंदुस्तान का वो जो इंटेलिजेंशिया, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का इंटेलिजेंशिया है, वो ये बात कर रहा है। हमें, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है आप सब मोहब्बतन लोग हैं, मुझे यकीन है आप लोग, लेकिन कई दफ़ा नादानी में भी गलतियां हो जाती हैं। आप लोग अपनी सलीका बयान करें, अपनी गुफ्तगू का सलीका बयान करें। और दूसरी बात, आप इतने बड़े पहलवान नहीं हैं। आप जनवरी में क्या, जनवरी 2028 तक भी इमरान खान को कहीं नहीं भेज सकते? आप जोर लगाएं, जोर लगाना तो आपका हक है, आप जोर लगाइए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप गलियों में मारे मारे फिर रहे हैं, कभी इस गली, कभी उस गली, कभी तेरी गली, कभी मेरी गली। आप हमारे साथ बैठिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कीजिए, आप हमारे साथ बैठिए, मईशत के ऊपर बात कीजिए, आप हमारे साथ बैठिए, मुल्क की गवर्नेंस के ऊपर, मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर बात कीजिए। लेकिन अगर आप अपना मुद्दा 8 केसों के ऊपर रखेंगे तो फिर ना तेरी बात ना मेरी बात, आप भी जोर लगा ले, हम भी जोर लगा लेते। बहुत शुक्रिया। बहुत जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आप तशरीफ रखें, आपको देंगे टाइम बाद में, जरा तशरीफ रखें।